इसलिए जरूरी है क्योंकि आजकल प्रूफ मांगते हैं कि आपने कहाँ क्या बोला था, तो अपने पास ही रहे ज़्यादा बेहतर है। खैर, इस समारोह की अध्यक्षता और सूत्रधार जो हमारे न सिर्फ मेंटर हैं बल्कि इस उम्र में भी आपके पास इतनी ही एनर्जी, इतनी ताकत है, अनिल चावड़िया जी वरिष्ठ पत्रकार के अलावा एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। मैं उनको पूरा नहीं सुन पाई और सबसे ज़्यादा प्रोफेसर सुधांशु जी को मैं बिल्कुल नहीं सुन पाई, उनसे पहले बोल चुके हैं। नवीन कुमार जी ने तो पूरे माहौल में एक तरह से ऐसी गर्मी पैदा की है, मुझे नहीं लगता उनके बोलने के बाद मेरे पास कुछ बचता है रहने के लिए। मैं आप सबसे विनम्रता से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर माफ़ी चाहती हूँ कि मैं लेट हुई और इसके लिए शायद मुझे सजा मिलनी चाहिए, तो मैं 5 मिनट ही बोलूँगी, टाइम मेरा करते हम मानते हैं। आज का जो माहौल, मैं वहीं से शुरुआत करती हूँ जहाँ नवीन जी ने अपनी बात को समाप्ति की तरफ इशारा किया। वो समाप्ति नहीं है बल्कि एक शुरुआत। आज जिस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी को जिस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है एक खास वर्ग के द्वारा, वो न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि समाज में भी, चाहे हम घर से बाहर जैसे ही सड़क पर आते हैं तो हमें ये तय करना होता है कि आप जिंदा वापस आएंगे या नहीं। कल मैंने एक कहानी पढ़ी, मोते ही मोते, मुझे टाइटल बहुत खतरनाक लगा, ऐसा लगा पढ़ के जैसे टीवी में आजकल जो एक आता है ना इंडिया खोज समथिंग करके कुछ आता है, उसमें मोतों पे बहुत कुछ दिखाई देता है। मैंने वहाँ से शुरुआत की और उसमें दिखाई दिया कि आखिर इसका टाइटल ऐसा क्यों है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि उसका अभिप्राय ये था कि आज जो तय जो जगह थी हमारी, जहाँ दफन किया जाता था, जहाँ जलाया जाता था, वो उन पर भी हमारे बहुजन समाज का अधिकार नहीं है। आप मौतों को सड़क पर देख सकते हैं, आप मंदिरों में देख सकते हैं, मस्जिद में देख सकते हैं, आप बाहर संस्थाओं में देख सकते हैं, एजुकेशन सिस्टम में देख सकते हैं, हर जगह पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि मौतों के लिए भी जो एक तय, जो एक निश्चित जगह हुआ करती थी, होती थी, वह भी आज हमसे छीनी जा रही है। आप मौत को कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं और खासकर जो एकलव्य की तरह जो अंगूठा काटने वाले, जो जो अंगूठा उनका सिर छीनने वाले एकलव्य के जैसा एक एक कुर्बानी लेने वाले, वो हर जगह पर तैयार हो चुके हैं। ये बहुत अच्छा कहा नवीन जी ने जो इशारा किया कि अर्बन जो नेक्स्ट नाइट है, ये क्या है आखिर, ये ग्रामीण क्यों नहीं हुआ। अंचल तो अगर हम देखें जो ग्रामीण प्रवेश से जो शुरुआत हुई थी, अगर आप नक्सलबाड़ी के आंदोलन को भी पढ़े तो वहाँ से शुरुआत मानी जा रही है। यह समीकरण बदला कैसे, इसका एकदम सीधा सा यही अभिप्राय है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम उसमें चाहे छात्र हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे कोई भी इवन नॉन टीचिंग का स्टाफ का भी हो, अगर जरा सा भी अपनी अभिव्यक्ति की बात करता है और अपनी आवाज़ उस खामोश आवाज़ को आवाज़ देना चाहता है, वो शिकार होता है। और न सिर्फ उस सिस्टम में शिकार होता है बल्कि उसके जो परोपकारी बैठे हुए हैं ऊपर से लेके नीचे तक। आज मैं जब यहाँ आई, आने से पहले एक पत्रकार का मेरे पास फोन आया, सुधांशु जी आपके लिए आवश्यक विशेष रूप से, उन्होंने मुझे कहा कि ओबीसी मंडल का जो जो एक तरह से पूरा का पूरा जो एक आंदोलन जिसने बदल के रख दिया था, एक नई बचाव की जो एक पैदा की थी समाज में, उसका तो दलितों के साथ बहुत विरोध रहा है। बहुत विरोध होते हुए आप कैसे ओबीसी का रिजर्वेशन का समर्थन कर सकते हैं। उसके प्रश्न साथियों मित्रों सिर्फ इतना नहीं था, जो उसने नहीं कहा वो बहुत महत्वपूर्ण था। जो जो उसकी जो जो मैं जवाब दे रही थी, वो जो सुनना चाहता था वो कुछ और था, जो जवाब मैं दे रही थी वो भी कुछ और था। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके के एक तरह से सबको शिकार बनाया जाए, हर एक स्तर पे, चाहे वो महिला हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे दलित हो, चाहे हमारा एसटी वर्ग हो, चाहे कोई भी समाज का वह व्यक्ति जो अपनी बात एक तरह से कहने की कोशिश करता है, जो अभिव्यक्त करता है, खामोशी को तोड़ने का जो प्रयास करता है, उसकी तरफ एक ऐसा इशारा है, ऐसी एक धमकी है कि आप चुप रहिए या आपको हर तरह का दंड भुगतने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। आप ये देखिए, आज एक आम आदमी अगर सब्जी लेने दुकान पर जाता है तो आप अपनी पसंद की सब्जी तक खरीद नहीं सकते, वो आपको बताना पड़ेगा कि आपने सब्जी कौन सी ली, आपने उसमें चिकन लिया है, आपने उसमें मटन लिया है, या आपने उसमें बीफ लिया है। ये जो अधिकार जो था हमारा खाने का अधिकार, वो तक भी एक खास फोर्सेस के द्वारा छीना जा रहा है और उसके निहितार्थ खासकर जो जो हमारे
समझने की जरूरत है, जिस तरीके से उनको भावनाओं में बहकर एक खास वर्ग तैयार किया जा रहा है, हम बीच में से, वो दलितों के बीच में से भी हो सकता है, वो ओबीसी के बीच में से भी हो सकता है, वो हमारे आदिवासी समाज के बीच में से भी हो सकता है, एक खास तरह की मानसिकता है, ऐसे हथियार के रूप में हमारे अपने ही लोगों के विरुद्ध अपने ही लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसको बहुत अच्छी तरह से नितांत इसके समझने की जरूरत है। वो इस रूप में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आप उस आवाज़ के साथ जो एक समूलता की आवाज़ बन सकती है, जो एक आवाज़ बनकर सड़कों पर उतर सकती है। अभी मेरे साथी ने बहुत अच्छा कहा, ये सिर्फ संसद की लड़ाई नहीं है, ये उनकी सड़कों पर उतर के लड़ने की लड़ाई है। अगर आप सड़कों पर उतर के लड़ने की लड़ाई के लिए तैयार नहीं होते तो आप केवल संसद या राजनीति की लड़ाई अगर आप करेंगे और मुद्दा बना के लगेंगे तो मुझे लगता है साथियों हमारी लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी है। एक भयानक किस्म का गैप इस दौरान आया, जहां हमने एक नए विचारकी को उत्पन्न किया था, जहां एक ऐसी क्रोधा हमारे सामने आते हैं जिन्होंने पूरे सामाजिक उथल पुथल को, न सिर्फ सामाजिक बल्कि राजनीतिक का भी नया चेहरा, एक ऐसा चेहरा जो प्रगतिवादी था, जो एक नई सोच लेकर आ रहा था, जो पूरे समाज को समग्रता से दे रहा था, जो बहुजन का कॉन्सेप्ट लेकर आया, वो जो चेहरा था उसको कहीं ना कहीं न सिर्फ कुरूप किया जा रहा है बल्कि उसको खत्म करने की साजिश है, और वो इस रूप से खत्म करने की साजिश है ताकि हमारे जो बीच की जो एक इकट्ठी आवाज बन सकती है उसको अलग 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 टुकड़ों में बांट दिया जाए। हम भोग सभी रहे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो ओबीसी का रिजर्वेशन है वो खत्म किया जा रहा है या फिर एससी का रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, सिर्फ रिजर्वेशन तक बात सीमित नहीं है बल्कि उसके एक ऐसे ऐतिहासिक जो जड़े हैं, जो अभी जो पिछले दिनों आपको पता होगा कि सुषमा स्वराज ने ही खुद बयान दिया कि भगवत गीता हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए, उसके मतलब क्या है उसको समझने की जरूरत है, ऐसे ही कही हुई बात नहीं, भारत का राष्ट्रीय पशु पहले से ही घोषित है। अब आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रीय पशु को दोबारा चिन्हित किया जाना चाहिए, एक तरफ आप चाहते हैं कि इनके प्रतीक, जो इनके प्रतीक है, खास वर्ग के प्रतीक है जिन्होंने सदियों से समाज को कुचला है, उन्होंने कभी एक समूहता की आवाज़ को इकट्ठा नहीं होने दिया, उन्होंने हमें बांट के रखा, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, धार्मिक हो, शैक्षिक हो, किसी भी तरह के हमारे सांस्कृतिक जो रीति रिवाज हो वहाँ तक भी वो पहुँचे हुए, उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, उस जड़ों ने जो मानवीय जो एक साहित्य में भी आवाज़ जो आई थी, मानवीय जो एक समाज की जो संरचना शुरुआत हुई थी उसको ख़त्म करने का काम किया है, इसलिए ये दोबारा से चाहते हैं कि ये जो ग्रंथ है इनको राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। हम जानते हैं कि संविधान हमारा राष्ट्र ग्रंथ है, हमें भगवद गीता के ग्रंथ की जरूरत नहीं है, जो भगवद गीता या जो रामायण जो आपके पूरे एक समाज के प्रतिनिधित्व को जो बहुल है उसके प्रतिनिधित्व को खारिज करती है उसको आप कैसे राष्ट्रीय घोषित कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ प्रतिशत लोग ही चाहते हैं कि भारत की सांस्कृतिक जो समग्रता है जिसमें सबकी आवाज़ें हैं, जिनके सबके अपने रीति रिवाज, धार्मिक परंपराएं हैं, जिनके सबके अपने अपने कहन हैं, उन सारे कहनों में बस पाँच मिनट, मैम मुझे पता है उन कहर को खत्म किया जा रहा है, साहित्य में उसको बिल्कुल बदल के रख दिया गया, ऐसी ऐसी पुस्तकें हमारे सामने हैं क्या, ताकि छात्र जो पढ़ें वो पढ़े जो वो पढ़ाना चाहते हैं, वो सीखे जो वो सिखाना चाहते हैं, वो बने जो वो बनाना चाहते हैं। यही वजह है आप किताबों के पाठ्यक्रम को उठाकर देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो पाठ्यक्रम की। अगर मैं सिर्फ संस्कृत का ही आपको उदाहरण दूँ, अभी हमारे यहाँ पाठ्यक्रम बदला, उसमें वर्ण व्यवस्था पर भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें जाति व्यवस्था पर भी पढ़ाया जा रहा है, उसमें महिलाओं के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर के सवाल को भी पढ़ाया जा रहा है, लेकिन क्या पढ़ाया जा रहा है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने ये तो बता दिया कि हम इनको पढ़ाना चाहते हैं, वो विषय जिसके आधार पर हमारे आप जैसे लोग आलोचना करते हैं, उस आलोचना को खत्म करने के लिए, उनका मुँह बंद करने के लिए वो चाहते हैं कि हमने इनको लगाया, हम विषय हम लेकर आए, लेकिन आप उनकी किताबों को उठाकर देख लिए, जब दीजिए जब वो वर्ण व्यवस्था पढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या पढ़ा रहे हैं, जब जेंडर की बात करते हैं तो उसमें क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी लास्ट एक छोटा सा कंक्लूजन करते हुए सिर्फ ये कहूँगी, अभी पिछले दिनों कैनेडा में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी और विश्व संस्कृत सम्मेलन, वहाँ पर मैंने सूत्रों पर बात कर ली थी, जेंडर और कास्ट से मेरा मेरी बातचीत थी, मैं
ये राष्ट्र ग्रंथ की बात कर दी, वो भी वही थे, मैं भी वही थी और मैं पैनल में थी। जब हमने बात की शुरुआत की, उन्होंने तभी हंगामा करना शुरू कर दिया। आप ये देखिए, एक तरफ चाहते हैं कि आप अपना ये दोगला जो चेहरा है, वो जो कुरूप चेहरा है, वो भद्दा जो चेहरा है, उसको छुपाए रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप ये फेस पाउडर वाले चेहरे को आगे रख रहे हैं ताकि आपको चेहरा फेस पाउडर वाला दिखाई दे, उसका जो असली जो चेहरा है वो आपको दिखाई ना दे। यही वजह से सूत्रों पर उन्होंने बोल लेना हंगामा करना चाहते हैं। आप बिल्कुल एकदम प्लान तरीके से आप चाहते हैं कि आपको प्रोग्रेसिव तो दिखाई देना है सबके सामने, समाज को तो जागरूक हो चुके, उनको पता है अगर टीना गावी जैसी लड़की को या अगर खेलों में ऐसी लड़कियों को या लड़कों को अवसर दे दिया जाए तो वो आपकी जनरल क्या, वो तो पूरे विश्व में ही आगे निकल जाएगी। तो वो अवसर कैसे छीना जाए, वो छीनने का दोहरा तरीका है कि उनके फेस पाउडर वाले चेहरे को आगे करो, करूर वाला पीछे रखो। पढ़ाना चाहते हैं वो आपको दिखा भी रहे हैं कि हम तो पढ़ा रहे हैं, देखो संस्कृत कितनी प्रोग्रेसिव होगी। हम तो चाहते हैं कि राष्ट्र ग्रंथ भगवद्गीता इसलिए राष्ट्र ग्रंथ बने क्योंकि उसमें तो ये कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः। अरे कहाँ सर्वे भवन्तु, सर्वे तो आपने कभी लिया ही नहीं। हम तो चाहते हैं ना सर्वे करिए जनसंख्या, आपने तो किया ही कभी, आपने तो अभी आपसे पहले अगर दबाव में और राजनीतिक भागीदारी से, सामाजिक भागीदारी से अगर आपने आरक्षण लागू भी किया तो आपने क्रिमिनल लागू कर दिया। उसके साथ ही साथ अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मैं एग्जाम्पल लूँ, हमारे यहाँ जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो अभी एडमिशन हुए उसमें ओबीसी की सीटें बड़ी मुश्किल से भरी जा रही हैं। वो इसलिए बड़ी मुश्किल से भरी जा रही हैं क्योंकि इतनी क्रम कंडीशन है कि बच्चा जो बाहर से आ रहा है वो उसको कहाँ से ऑनलाइन लेके आएगा, वो कहाँ से वो सारे आंकड़े इकट्ठे करके लेके आएगा जो आपका चाहिए। आपकी लिस्ट जो जातियों की लिस्ट जिसमें आपने ये कहा कि ये क्रीमी लेयर में आएगा, ये नॉन क्रीमी लेयर में आएगा, उनकी जो स्टेट की जो पॉलिसीज है उसमें कुछ हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है। बच्चा अगर झारखंड से यहाँ एडमिशन लेने के लिए आ रहा है, महाराष्ट्र से एडमिशन लेने के आ रहा है, उसको कैसे पता लगेगा कि ओबीसी में आएगा भी या नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, इसको हमें मिलजुल कर बैठ के बात करने की जरूरत है। और ये लड़ाई इतनी छोटी नहीं है कि सिर्फ इसको संगोष्ठियों तक सीमित कर दिया जाए। आज जो मंडल दिवस है उसके निहितार्थ ये है कि इसमें दलित बहुजन एकता कायम है और वह ऐसी एकता कायम हो जो, अगर आप इसका ही उदाहरण ले, अभी पिछले दिनों ये जो कावड़ वाला जो सिस्टम चल रहा था, अगर आप पीछे 10-15 साल पहले चले जाएं तो मुझे याद भी नहीं पड़ता कि कोई शिव का कावड़ का भी कोई कंसेप्ट था। अपने आप नई से नई उत्पत्ति, और उसमें कौन है, हमारे अपने लोग, हमारे अपने ही लोग जिनके बीच में से हम लोगों को फूट डालकर लड़ाया जाए। इतनी फुर्सत होती ही नहीं है कि 10-15 दिन जाके आए जाए और लेके आए। अगर जो रोजगार वाला है, जो पढ़ रहा है विद्यार्थी, जो पढ़ाई में सिंसियर, जो उनके अध्यापक ये शिक्षा दे रहे हैं कि कावड़ लेके जाने के बजाय अगर अटेंडेंस क्लास में नहीं होगी तो अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी, अगर शॉर्ट होगी तो एडमिशन आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, टीचर ही अभी ये समझाएगा कि ठीक है कोई बात नहीं कावड़ ले आओ अटेंडेंस में लगा दूंगा। अगर ये शिक्षक ये काम करना शुरू करेगा तो उसके निहितार्थ समझने की जरूरत है। जो आज हमारे जो शिक्षा की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो हमारे, देखिए शिक्षा के लोग या शिक्षक या विद्यार्थी आते कहाँ से, समाज, जो अध्यापक निकल के आएगा वो समाज से ही आता है। समाज में जैसा उसने व्यवहार देखा, जैसी उसकी परवरिश है, जैसी उसको विरासत में मिलती आई है, वो वही आके शैक्षणिक संस्थाओं में करेगा। वो कोई ऐसे ऊपर दूसरे ग्रह से उतरा हुआ प्राणी नहीं। अगर उसकी जातिवादी मानसिकता है, वही जातिवादी मानसिकता उसकी शिक्षण संस्थाओं में भी होगी। और एक छोटा सा उदाहरण करके आपको मैं मेरी बात बताती हूँ। परसों ही हम लोग कॉलेज में बैठे हुए थे, मेरी 8:30 की क्लास होती है। ये मैं आपको जानबूझ के बता रही हूँ, इसलिए नहीं बता रही कि मेरा अनुभव है, बाकी मैं जानती हूँ कि मेरा अनुभव ना होके ये हर एक अध्यापक का अनुभव है जो झेलता है, जो बात नहीं करता, जो चुप रहता है। इस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है और जब तक हम इस चुप्पी को नहीं तोड़ेंगे तब तक मुझे लगता है रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व का सवाल कभी नहीं बन पाएगा। वो सिर्फ रिजर्वेशन रहेगा, वो ऐसे रहेगा जैसे हम जहाजों में रिजर्वेशन लेते हैं। वो चाहते हैं रिजर्वेशन का जो मतलब है वो आरक्षित वाला मतलब हो, आरक्षित जो आप डिब्बों में आपको आरक्षित करते हैं, वो प्रतिनिधित्व हो समाज का, वो नहीं चाहते। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, मैंने जस्ट आके ऐसे क्लास स्टाफ रूम में कहा कि मेरे यहाँ तो 8:30 की क्लास में कोई स्टूडेंट आते ही नहीं, मैं आगे बैठ जाती हूँ 7:30-8:30 तो ऐसे कैसे काम चलेगा। नॉर्मल सी बात, दूसरे अध्यापक ने जहाँ 10 अध्यापक बैठे हुए नॉर्मल सी बात करते हुए ये कहा कि यार कौशल तुम आ तो जाती हो सुबह सुबह, एक काम किया करो थोड़ा सा झाड़ू पोछे वालों को देख लिया करो, मारते हैं।
यूनिवर्सिटी की बता रही हूँ, मैं प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के सम्मानित अध्यापक सारे अध्यापकों के बीच में मुझे ये कह रहे हैं कि यार तुम आ तो जाती हो सुबह सुबह, थोड़ा झाड़ू पोछे वाड़ो कोई देख लिया करो, टॉयलेट साफ हुए या नहीं, झाड़ू पोछे लगे, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस सवाल को कहा है एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट तो अब दोबारा बड़ी मुश्किल से दबाव में आया, दो बार के बाद आप कर क्या रहेंगे वहाँ पे, तो वही बैठे क्या करेंगे आप बताइए मुझे, कहाँ साथ देते हैं आपकी, कहाँ टूटा इसमें साथ देती है, आज तक टूटा नहीं सवाल को उठाए कि अगर कोई एससी एसटी एट्रोसिटी किसी भी टीचर्स की कॉलेज में यूनिवर्सिटी में होती है तो डूटा उसके साथ काम करेगी, बताइए मुझे, सुधांशु तो जिम्मेदार आदमी है, अगर एक भी एजेंडा ऐसा हो डूटा भी, और ये हम कर चुके हैं, मैं पहले कर चुकी हूँ एक बार और भूख चुके कब तक होगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि हमें उस खामोशी को उस चुप्पी को तोड़ने की जरूरत है जो आपके ऊपर धमकियों में भी आएगी, आपके सलाह के माध्यम से भी आएगी, आपके प्रेम के